मैं दया शंकर सिंह सद्भावना ग्रामीण विकास संस्थान के लिए जुड़कर काम करता हूँ। पिछले 15 वर्षों से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। काम करने के दौरान गांव-गांव समुदाय में जाकर काम करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के संगठन बनाना, उनको जागरूक करना, उस दौरान जब समुदाय में नज़दीक से देखने का अवसर मिला, उस टाइम में मुझे लगा कि ये सबसे बड़ी एक समस्या क्या है। महिला के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य, जो कुपोषण, एनीमिया और महिलाओं की स्थिति, परिवार की स्थिति, उसमें उनकी बच्चों की फैमिली की साइज, और वहाँ से हमने फैमिली प्लानिंग अपने सभी मुद्दों के साथ परिवार नियोजन को जरूर जोड़ा। इसको लेकर हम सभी पीएससीओं पर जाकर जो फ्रंट लाइन आशा, एनाम और सुपरवाइजर्स, मेल वर्कर्स, इनके साथ वन डे सेंसिटाइजेशन किया। सेंसिटाइजेशन के बाद बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिलकर आए, उनको चैंपियन के रूप में डेवलप करने का हमने अभियान चलाया और चैंपियंस को चिन्हित किया। उन चैंपियंस को फैमिली प्लानिंग की जो एक बड़ा सा मैसेज है कि नसबंदी, फैमिली प्लानिंग का नाम लेते ही नसबंदी का पिक्चर आती है, उससे हटाकर अंतर पर फोकस कराया। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो बड़ा सा संगठन हमारा नारी संघ है, उसके बीच में चर्चा की कि पहले जब हम लोग 2006 में आशा पद पर ज्वाइन किए तो गांव में कोई जानता ही नहीं था कि मतलब पापर्टी, कंडो, माला डी, माला एन, मतलब अगर हम लोग कहते थे तो लोग हंसी मुड़ा देते थे कि ये क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है। जब ये लोग भैया लोग आए, जब ये हम लोगों के साथ मीटिंग करने लगे और जब सभी महिलाओं को नारी संघ की मीटिंग में समझाने लगे, बताने लगे, तो सभी लोगों पर बहुत असर पड़ा। जी, मैं कंडोम इस्तेमाल करती हूँ। मैं, मेरी 6 महीने की बेटी है, मैं चाहती हूँ कि मैं 5 साल के बाद बच्चा पैदा करूँ। मेरा 4 साल का बच्चा है, मैं कापर्टी लगवाई, 5 साल के बाद मुझे बच्चा चाहिए। मैंने 5 साल के लिए कापर्टी लगवाया है, मेरा 1 साल का बच्चा है।